व्लॉग स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, फ्रेश चाय के साथ। सुबह की चाय जो है सबके लिए बहुत ही खास। तो फर्स्टली मैंने पी लिया चाय, उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। बाकी जो काम होते हैं सुबह के वो सब मैं कर चुकी थी। अब मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे पूजा करना है, तो फर्स्टली मैं रेडी हो जाती हूँ, सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। पूजा करेंगे तो चलिए फूल तोड़ कर आते हैं। ये मेरा रूम है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनमिन अमित्स ब्लॉग। मिनमिन अमित्स ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस गर्मी के टाइम में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है करने में। तो जब तक बारिश ना होती है तब तक तो झेलना ही पड़ेगा गर्मी को। सारी लेडीज़ लोग का तो एक ही काम है, सुबह से घर का काम करो, पूजा पाठ, नाश्ता खाना। तो इन सब के बीच में थोड़ा सा टाइम मैं निकाल लेती हूँ अपने ब्लॉग्स के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज मैंने सुबह से क्या किया, कैसे स्टार्ट किया और पूजा पाठ वगैरह। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स के साथ, और कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए मुनमुन अभी कपड़ा पसार रही है। ये हम लोग का कॉलोनी है, ये देखिए, ये ACC कॉलोनी है, हम लोग यहाँ रहते हैं, छोटा सा कबीला है। ये देखिए मुनमुन कैसा कपड़ा पसार रही है। ये कूलर है जो चलता नहीं है, बस खाली टांग के रखा हुआ है इस कूलर। देखिए इसको, देखिए ये भी कार शादी कर रहा है। यहाँ भी फूल का पेड़ है लेकिन फूल अभी नहीं है, आज पता नहीं फूल नहीं दिया, फूल के गाछ में फूल नहीं है। ये हमारा फ्रिज है, ये भगवान सब बैठे हैं। देखिए पूजा का सब तैयारी चल रहा है। देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए अब पूजा शुरू होने वाला है। ये मेरे सारे भगवान जिसकी मैं हर रोज पूजा करती हूँ। ये रहे मेरे शिव पार्वती, इसे मैं नहला रही हूँ अभी।
मेरा बेटू जो मेरे साथ है वो एनी टाइम मेरे साथ साथ ही घूमता है। मम्मी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, आप उसे हर ब्लॉग में देख पाओगे। वो बहुत शरारती है, शरारती करते ही रहता है एनी टाइम वो कुछ ना कुछ। तो मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने सब कुछ चढ़ा दिया, अब मुझे प्रसाद चढ़ाना है। ये है मिश्री और ये है मुकुलदाना और मैं लूँगी इसमें चावल और जो पूजा का चावल आता है वो और गुड़, ये दोनों मिलाकर हम लोग इसकी पूजा करते हैं। देखिए चंदन घिसा जा रहा है, बोला जाता है गोपी चंदन घिस मेरे नंदन, या अभी मुनमुन घिस रही है गोपी चंदन। ये असल में गोपी चंदन नहीं है, इसको असली चंदन बोला जाता है। ये सबसे शुभ और शुद्ध माना जाता है। देखिए ये हमारा शादी का है, बहुत देखिए प्रसादी चढ़ रहा है। उससे पहले अरवा चावल को धोएंगे और गुड़ के साथ मिश्रण करेंगे, गुड़ से मिला के और भगवान को अर्पण करेंगे। ये फैमिली ब्लॉग से ज़्यादा पूजा वाला ब्लॉग लग रहा है। इसे क्या कहते हैं कमेंट में लिख के करते हैं सारे चीज। ये देखिए वाईफाई लगा हुआ है जो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। चलिए हमारा पूजा अब समाप्त की और सूरज देव को जल अर्पण करते हुए देखिए जामुन का पेड़ है, देखिए जामुन का पेड़ है, आपको जामुन भी दिखाएंगे। इसका जामुन अभी फलने लगा है, अभी पक के गिरने लगा है। देखिए इतना बड़ा बड़ा जामुन है, बड़ा सा भी होता है। देखिए प्रसाद ग्रहण कर रही है ये, मत पानी पिए। चलिए आज का कार्यक्रम पूरा। चलिए कूलर में पानी डाल कर आते हैं। बाप रे धूप बहुत ज्यादा है, कूलर में पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद कूलर को लगाना पड़ेगा। देख सकते हो पानी नहीं है, गर्मी की वजह से जल्दी जल्दी पानी ख़त्म हो रहा है। और दो तीन बाल्टी डालना पड़ेगा। यहाँ कूलर चलता है उसकी वजह से हम लोग रह पाते हैं, वरना एसीसी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, रहना मुश्किल हो जाता है। पर कूलर की वजह से रिलीफ है, आप देख सकते हो वहाँ कूलर लगा हुआ है। बंद करो अपना ये बकवास, कह लो बता भी फिर से कुछ ना, ले लो हो गया। उससे मत कीजिए, पानी डाल चुकी हूँ, अब मैं गेट लगा दूंगी। अब क्या करेंगे, अब डालेंगे हम लोग इसमें, अब इसे स्विच ऑन करेंगे और इसका पंप भी चल रहा है। हो जाता है और इसी के वजह से रिलीफ होता है, वरना एसीसी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। अब मुझे और भी काम है,
बेटू को रेडी करना है, नहलाना है। चलो नाई नाई कराई दी। हाय हाय, चलो तुम्हें चान कर रेडी कराई दी बेटू, तारपर तुम खेलबे। ओके, तो एक तरफ मेरा जो है खाना बन रहा है दोपहर का लंच, और एक तरफ हम लोग का जो क्वार्टर में पानी आता है वो आ चुका है, 12 बजे आता है पानी आ चुका है। अभी 12:15 हो रहा है, तो अभी मुझे बेटू को भी नहलाना है और बेटू के पापा को भी नहलाना है, क्योंकि उनके हाथ में लग गया है ना, तो वो खुद से भी नहीं नहा पा रहे हैं। तो बहुत सारे काम हैं, तो वो सब निपटा के मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। बेटू को मैं नहला चुकी थी पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो सॉरी गाइस, मैं आगे नहीं दिखा पाई आपको। तो फिर मैं चली गई खाना बनाने के लिए। अभी मैं आलू पोस्तू बना रही हूँ, उसके लिए आप देख सकते हो मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बनाई, जो है आपकी बेसन और लड्डू, बेसन और आटे से बनाया मैंने एक लड्डू की रेसिपी। आप उसे मेरे कुकिंग चैनल पे देख सकते हो, मुनमुन्स किचन, वो उसमें आएगी। अभी मैंने अपलोड नहीं किया, आज ही मैं बनाया है, तो मैं उसे अपलोड करूँगी। देख सकते हो कितनी अच्छी, हेल्दी और बहुत ही यमी लग रही है।